आज हम इस वीडियो में आपको, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बारे में बताए थे, आपको बहुत क्वेश्चन आपको समझाए थे, और ये लास्ट ही इस जो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो लीनियर इक्वेशन के, चाहे दो वेरिएबल में हो चाहे एक वेरिएबल के, हमें बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो आपको डाले भी हैं ताकि आप अच्छा से समझ सकें उस चैप्टर को। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन ही करेंगे आज, जो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, अब क्वेश्चन को समझेंगे हम, क्या कह रहे हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें। हम मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x, ठीक है, एवं चौड़ाई y, ठीक है, हमारे पास लंबाई क्या है x है और चौड़ाई y है, ठीक है। तो कह रहा है एक आयत की लंबाई 9 इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है। अब हम लंबाई 5 है तो x है, तो हम x माइनस 5 करेंगे, ठीक है, और चौड़ाई हमारे पास क्या है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो y हमारे पास बराबर y प्लस 3 तो यहाँ पे हम दो चीज़ें आपको कहे हैं, लंबाई x और चौड़ाई y। तो हम यहाँ पे क्या किए, x माइनस 5 हमारे पास लंबाई हो जाएगा और y प्लस 3 क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या, अब देख लीजिए इसका हम लंबाई माने चौड़ाई माने, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। एक मिनट के लिए हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, क्षेत्रफल x इंटू वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास लंबाई हो गया इंटू, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, x माइनस 9 जो था, मीन्स अब समझो, आप कह रहे थे क्वेश्चन में कि मान, हमने कहा क्वेश्चन कह रहा था, हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं आपके पास। एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है जो आपके पास, ठीक है, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो कर दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लंबाई को एक्स माना, ठीक है, चौड़ाई को वाई माना। जब हम लंबाई चौड़ाई को एक्स वाई मान ली है तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन से, यहां लिख देते हैं प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से जब लंबाई में से 5 घटा दिया जाता है, चौड़ाई में जोड़ दिया जाता है 3, तो क्षेत्रफल जो है 9 घट जाता है, ठीक है। तो आपके पास यहां से कर लेते हैं, एक्स माइनस 5 इंटू y प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई एक्स वाई, ठीक है, यहाँ से होगा तो 3x, ठीक है, माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y और माइनस 15 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y माइनस 15 में से 9 6 15 तो माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आपके पास एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था, इससे आगे जब लंबाई कम कर दी जाए और चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो फिर आगे क्वेश्चन कहता है, यहाँ तक तो पहला बात कह रहा था, यदि हम लंबाई को, लंबाई और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए। अब कह रहा है लंबाई को 3 बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को
चौड़ाई जो है उसको भी, चौड़ाई वाई है, ठीक है, वाई है, उसको भी बढ़ा दी जाए, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 हो जाता है, ये क्या जाता है 67। चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 3x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, ठीक है, ये कर जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 9 माइनस 67 इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y और 67 में से हो जाएगा कितना 58 माइनस 58 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कर लेते हैं इसको, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया, लीजिए आपके पास इक्वेशन ये एक फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है, आप दोनों इक्वेशन का सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 3y माइनस 58 इक्वल टू 0। हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास दोनों ये जो है उसी में आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं घटाने पे, घटाने पे, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते, ठीक है, ये कर जाएगा, ठीक है, अब ये कितना जगह माइनस 8y, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस 58 है, ये क्या हो जाएगा 58 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 52 प्लस 52 इक्वल्स टू 0, ठीक है, माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 52, ये माइनस माइनस कर जाएगा, y की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 52y 8, ठीक है, अब आपके पास 52 माइनस 52y 8 आया है जो आपके पास क्या चीज़ का वैल्यू है y का, हम इसको ऐसे ही रहने दें, इसको नहीं तोड़ेंगे हम, ठीक है, ये आपके पास क्या है जो आप चौराहे लिट किए थे, ठीक है, ये आपके पास चौराहे की बीमाई आ गए, हम वहाँ पे लिख देंगे पहले इसके पास, अब इस इक्वेशन इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 3x माइनस 5 इंटू 52y 8 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, 3x माइनस 10 26, ठीक है, बाय 8 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3x माइनस 8 260 माइनस 48 इक्वल टू 0, 36x माइनस, अब यहाँ 260 में से 48 माइनस हो जाएगा 212, ठीक है, 212 बट्टा 8 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 212 बट्टा 8, ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 212 बट्टा 3 गुने 8, ठीक है, अब यहाँ से जो भी है x की वैल्यूज हम यहीं पे, हम इसको नहीं करेंगे कुछ, 212 बटा हम 24 लिख देते हैं, और आपके पास क्या हो जाएगी लंबाई की बात कर ले हम यहाँ पे, ज़्यादा हम इसको लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते हैं, लंबाई जो होगी x की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू क्या है 212 बटा 24 इकाई, ठीक है, उसके बाद चौड़ाई की बात कर ले, चौड़ाई आपके पास क्या हो जाएगी 52y 8 इकाई, ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किया है, हमने इसको सॉल्व किया है, और आप देख लें इसमें कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, आप क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ेंगे बस आपको सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाला है, और इस पर हम इसमें दो चार क्वेश्चन करने वाले हैं, आप इसको समझिए और इस चैप्टर को बना के देखें, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा।
यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। इसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। माना कि पिता का उम्र 60 है और उसके पुत्र का उम्र एवं पुत्र का उम्र वाई है, ठीक है, हम एक्स वाई मान लिया। इसलिए प्रश्न से इस दोनों का योग क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ठीक है, ये आपके कह रहा है। उसके बाद कह रहा है क्या, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की 5 गुनी है। अब देख लीजिए, पहला ये स्टेटमेंट क्या देता है, पहला बात ये कहता है क्या कि जो 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले अगर पिता की आयु एक्स है 6 वर्ष पहले, तो मतलब वर्तमान आयु 6 साल है, तो इससे पहले घट जाएगा, ठीक है। पुत्र की आयु की कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु, पुत्र की आयु जो है उससे 5 गुनी थी। तो पुत्र की आयु क्या है, वाई है, ठीक है, इसकी 5 गुनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कहा है, जैसे कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की जब बात हो रही है, तो ये तो वर्तमान में से आपने माइनस किया, इसके लिए भी आपने माइनस किया, ठीक है, इसके लिए आपने माइनस किया, ठीक है, और आपने इसके लिए माइनस किया, इसके लिए भी माइनस किया। तो कह रहा है ये आप 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, ये नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है ये पिता में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पुत्र में मल्टीप्लाई, क्योंकि कह रहा है कि पुत्र के 5 गुना है, ये तो नहीं कह रहा है ना कि पिता के 5 गुना है, पुत्र के 5 गुना है, ठीक है। तो अब ये 6 वर्ष बाद, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, अब बन जाएगा, कह रहा था 6 वर्ष पहले, तो हमने पिता में से भी माइनस किया और बच्चा में से माइनस कर दिया जो पुत्र का आयु है, और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 5y माइनस 30, ठीक है, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 5y माइनस 6 प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक्स माइनस 5y और क्या हो जाएगा प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दूसरा इक्वेशन ये है, अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, बाकी आपके पास टाइम नहीं लगेगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या, x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि घटाने पे हमको करना पड़ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये तो कट ही जा रहा है, ठीक है, और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप दोनों को ऐड करेंगे तो 6y इक्वल्स टू यहाँ 24 ही होगा, या 25 हम लिख देते थे गलत, तो इसे हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ से 60 में से 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ दोनों ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा, ठीक है, 84 वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 बाई 6 से क्या हो जाएगा, 1 बार में 6 2
और 4, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो एक्स प्लस वाई इक्व टू 60, एक्स प्लस वाई आपके पास क्या है 14 इक्व टू 60, एक्स इक्व टू क्या आ जाएगी 60 माइनस 14, एक्स इक्व टू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप 10 घट जाएगा तो 50, आप 50 में से 4 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 46, ठीक है। अब इससे आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू अब देख लीजिए, हमने क्या किया था, वर्तमान आयु लेट किया था, यहाँ जो पिता की आयु है वर्तमान आयु, इसको आप यहाँ वर्तमान लिख सकते हैं वर्तमान, ठीक है, ये वर्तमान आयु आयु जो अभी है वो 46 वर्ष पिता का आयु है और 14 वर्ष का लड़का है, ठीक है, और 14 वर्ष का लड़का है तो कह रहा है, इस क्वेश्चन में यहीं तक नहीं कह रहा था, क्वेश्चन में आगे भी कुछ कह रहा था, हम पहले क्या कर दिए, पिता की आयु ले लिए, पुत्र की आयु ले लिए, उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि किस तरीके से उसका योग कह रहा है 60 था, और हमने फिर 6 वर्ष पहले की बात किया, यहाँ तो हमने 6 वर्ष पहले की बात की तो पिता में से 6 वर्ष घटाया और पुत्र में से 6 वर्ष घटाया, उसके बाद यहाँ पे इसके तो कह रहा था कि 5 वर्ष जो 6 वर्ष पहले की बात कर रहा था कि पुत्र के आयु का 5 गुना है, तो पुत्र के आयु यहाँ है उसका 5 गुना, ये पुत्र ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, आपके पास ये इक्वेशन दूसरा इक्वेशन आया, उसके बाद आपके पास जो वाई की वैल्यू आई, वाई का जो पुत्र का आयु है वो अभी वर्तमान में 14 है और पिता का आयु वर्तमान में 46 है, लेकिन कह रहा था आगे क्वेश्चन क्या कि जो पुत्र का आयु है उसके 6 वर्ष बाद तो पुत्र का आयु आपके पास y इक्व टू 14 है, ठीक है, तो आपके पास y प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ y माइनस 6 किए थे, यहाँ y प्लस 6 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 14 प्लस 6 20 वर्ष, ठीक है। और अब इसी जगह से आप ये देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये वल्लिक पुत्र के बारे में कह रहा था, अगर हम पिता की बात कर ले तो x प्लस 6 मीन्स 46 प्लस 6 क्या आ जाएगा 52 वर्ष। आप इस दोनों को बहुत आसान तरीके से, बस इसमें क्वेश्चन समझना पड़ी बात होती है, आप अगर क्वेश्चन समझ रहे हैं अच्छे तरीके से तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का बताए हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा था क्या, जो तीसरा क्वेश्चन है आपको बताने जा रहे हैं, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। हम पहले मान लेते आयु, माना कि जैकब, क्या नाम है, जैकब की आयु एक्स वर्ष है, ठीक है, और एवं पुत्र की आयु वाई वर्ष, ठीक है। तो प्रश्न से, यहाँ प्रश्न से कह रहेंगे, अब प्रश्न क्या कह रहा है हमें कि 5 वर्ष बाद, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन से कि ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद की बात करता है, तो आप पहले क्या कर लो, x प्लस 5 बरोबर y प्लस 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद कह रहा है तो बाद की बात करते हैं, तो भैया ये इसमें भी जुड़ जाएगा और इसमें भी जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं हार्ड है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन ये आएगा। दूसरा क्या है, कह रहा है इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है आगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष बाद था, ये 5
वर्ष बाद की बात कर रहा है, सॉरी पहले की बात, पहले तो कह रहा है x माइनस फाइव y माइनस फाइव और पुत्र के सात गुनी, ठीक है। पर एक बार फिर कह देते हैं, उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी, ठीक है। x माइनस वाई सात वाई माइनस पैंतीस, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, x माइनस सात वाई इक्व टू माइनस पैंतीस प्लस पाँच, ठीक है। अब यहाँ से हम इक्वेशन को तोड़ेंगे, अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस सात वाई इक्व टू माइनस तीस। आपके पास इक्वेशन दो है और इक्वेशन वन क्या है, अब यहाँ से हम इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके पास दो है, ठीक है। अब आपके पास हम इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, इक्व टू टेन एक्स माइनस सेवन वाई इक्व टू माइनस थर्टी, ठीक है। यहाँ से हम घटा देते हैं, ये कट जाएगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ हो जाएगा आपके पास प्लस चार वाई इक्व टू चालीस, वाई की वैल्यू दस, ठीक है, वाई की वैल्यू दस और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस थ्री इंटू थ्री इंटू टेन इक्व टू दस, एक्स इक्व टू दस प्लस तीस, एक्स इक्व टू चालीस। अब देख लीजिए, हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि इसकी वर्तमान आयु निकालनी थी, ठीक है। तो एक्स की वाई आयु क्या है, एक्स हम किसका लिखे हैं, जैकब का, जैकब की आयु क्या है, जैकब की आयु 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 10 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश किए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा था कि माना कि हमने क्वेश्चन में कहा था कि जो उसकी वर्तमान आयु है उसको निकालने को, और उसमें दिया क्या था कि पाँच वर्ष बाद जो उसकी आयु थी x प्लस फाइव इक्व टू इसके पिता पुत्र की जो जैकब का आयु था, मतलब कि जैकब का आयु x प्लस फाइव है, अगर पाँच वर्ष बाद इसका x प्लस फाइव है तो पुत्र के से तीन गुना ज़्यादा था, ठीक है। तो हमने उसको इक्वेशन निकाला, उसके बाद पाँच वर्ष पहले की बात किया तो हमने दोनों में माइनस करके इसके साथ पुत्र की सात गुनी थी, तो हमने इसको भी सॉल्व करके और यहाँ पे आपको एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाल दी। बोला दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11, अगर अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है, संख्या बताइए। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ठीक है। अब कह रहा है इस दोनों अंकों का योग जो है, तो यहाँ पे जो कह रहे हैं, हम मान रहे थे पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या के बजाय आप इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लें, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इकाई का अंक जो है, मान लेते हैं क्या होता है, हमारे पास एक्स वाई होता है, ठीक है। तो एक्स वाई जहाँ है तो ये जो है इकाई होता है, ठीक है, और ये जो है दहाई होता है। आप इस बात से सहमत होंगे, तो हम इसको ये भी तो कह सकते थे वाई एक्स, एक्स इकाई और ये दहाई। तो यहाँ पे ये दोनों का योग जो कह रहा है, एक्स प्लस वाई का योग 11 है, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अंकों को उलट दिया जाए तो 27 की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए इकाई का अंक को दहाई में ले जाता है और दहाई का अंक को इकाई में लिया जाता है, तो मान लीजिए पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, ये जो हम कह सकते हैं इसको, जैसे कि हमारे पास एक्स वाई अगर होता, एक्स वाई की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वाई, तो हमारे पास
वाई ही होता और एक्स क्या हो जाता है 10, क्योंकि दहाई पे होता है 10। तो आप ये इसको लिख सकते थे 10x+y, ठीक है, +27 की वृद्धि हो जाती है। अब इसको क्या करता है, पलट दिया जाता है। तो इसको पलट दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, x+10y, ये चीजें होगी, ठीक है। आप इसको ये चीज भी लिख सकते थे 10x+y+27 = 10y+x, ये भी आप लिख सकते थे, ठीक है। अब यहां से आप इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम करके देते हैं आपको, 10 - x तो 9x और y - 10 - 9y +27 = 0, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते थे 9x - 9y = -27। आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x - y = -3। दूसरा इक्वेशन ये हो गया आपके पास, ठीक है। पहला इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन का सॉल्व करेंगे तो x - y = 11 और x+y = -3। अब यहाँ से जोड़ने पे कर दे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2x = क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 2 * 4 = 8, x का वैल्यू 4, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से y की हम सीधी वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा 4 - 4 - हम कर लेते हैं एक बार कर ही लेते हैं, x - y = -3 है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, 4 - y = -3, y = क्या हो जाएगा -7, ठीक है, ये कट जाएगा, y की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ इकाई दहाई की बात कर ले तो आपके पास इकाई का अंक क्या था, y था, और दहाई का अंक क्या था, दहाई का अंक 4 था, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से 47 हो जाएगा, आप जो नंबर की बात कर ले वो 47 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप इकाई और दहाई की बात की है तो ये आपके पास 47 जो नंबर है ये 47 हो जाएगा, ठीक है, हमने उस नंबर को डाला है। और यहाँ से इसे एक और क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन को, आप इसको समझेंगे और उसके बाद हम इस पे इस वीडियो को हम लास्ट करने वाले हैं, इस वीडियो को आप समझें। कह रहा है क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना को पलटने से बनी संख्या 4 गुने के बराबर है, यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात करें। पहले हम संख्या लेट कर लेते हैं, ठीक है, इकाई की संख्या जो है वो y है और दहाई की संख्या x, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों है तो माना कि दहाई के स्थान पे x तथा इकाई का y, तो अतः संख्या क्या हो जाएगा, 10x+y, क्योंकि यहाँ 10 जो x है वह नहाई की बात कर रहा है, ठीक है। तो 10x+, और इसको जो प्लट दिया जाता है तो x ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या कि 2 अंकों की संख्या जब 7 गुना अंकों को पलटने से तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कह लेंगे क्या, 7 * 4 * 10y + x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 * 70x + 7y = 40y + 4x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10x - 4x = 70 - 4, उसके बाद क्या हो जाएगा, 7y - 40y = 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 66x - 33y = 0। अब अगर हम 33 गुना कह रहे तो 2x - y = 0, आपके पास एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है।
और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम टोटल क्वेश्चन और कह रहा है कि इतना करने के बाद अंकों का अंतर जो है, तो संख्या ज्ञात करें, दो अंकों की संख्या सात गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या चार गुने के बराबर है, यदि अंकों का अंतर चार हो। अब इस दोनों का जो अंतर है एक्स माइनस वाई, तो ये इसका अंतर क्या कह रहा है, वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू चार है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कर लेते हैं सॉल्व, टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, और ये क्या कह रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू चार। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू चार, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास चार आ गई और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये नंबर आएंगे इस क्वेश्चन में, और ये नंबर्स जो निकलेंगे वो क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पे आपके पास क्या आ जाएगा, इकाई के स्थान पे जीरो और ये चार, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने की कोशिश की, ये टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस, इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे ना, यहाँ से आप यहाँ टू एक्स इक्वल टू वाई ये भी लिख सकते हैं, तो टू इंटू फोर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, और ज़्यादातर ये इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे आप, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, चाहे पुत्र या पिता वाली क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे सीखने का, और इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इस ये मेरा जो इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, जैसे कि एक्स वाई वेरिएबल जैसे निकालना, एक्स की वह आपके पास दो वेरिएबल है, ठीक है, उसमें से आपके पास दो इक्वेशन दिया हो, तो आपको इसमें बहुत सारे मेथड का यूज किए थे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, उसके बाद कंपैरिजन, ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ट्रायल मेथड, इतने मेथड का यूज करके हमने आपको इसको बताने की कोशिश किया हर एक वीडियो में। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को देखेंगे, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय। अब मेरा वीडियो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मैं इसके लिए हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप बनता है कि आप अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।